कुचियो सैनो जुत्सु, जिसे आप समनिंग जुत्सु के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक सीरंग स्पेस टाइम निंजुत्सु है, जिसे यूज किया जाता है क्रिएचर और ऑब्जेक्ट को समन करने में यूजर के पास। और आप लोगों ने देखा होगा समनिंग जुत्सु को ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करते हैं नारुतो यूनिवर्स में। समनिंग जुत्सु को यूज करना बहुत ही सिंपल है, और समनिंग जुत्सु को परफॉर्म करने से पहले यूजर के पास समनिंग जुत्सु का एक्सेस होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। और आप लोग ये भी कह सकते हो वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग इन नारुतो यूनिवर्स में, जो यूजर इजिली कर सकता है। यूजर को समनिंग जुत्सु को यूज करने से पहले उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल के साथ। और आप लोग देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह का होता है, जिसमें यूजर को अपने ब्लड से साइन करना होता है। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए उसके बाद बूम, यूजर समनिंग जुत्सु को यूज करने के लिए रेडी है। वो फ्रीली समन कर सकता है किसी भी एनिमल या किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर ग्रुप के, जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। हाँ, मगर यूजर को समन करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफर करना पड़ेगा जब भी वो इस टेक्निक को यूज करेगा, जो कि देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नारुतो के निंजा वर्ल्ड में सारे समनिंग यूजर अपनी फिंगर को बाइट कर ब्लड ऑफर करते हैं, जो कि कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है निंजास के लिए करना। और जितना पावरफुल और बड़ा क्रिएचर रहेगा यूजर को उतना ही ज्यादा चक्रा लगेगा उसको समन करने में। हाँ, मगर कुछ लोगों के लिए ये चीज प्रॉब्लम नहीं होगा। मादारा उचिया नाइनटेल को समन कर सकता था, क्योंकि हर कोई इतने बड़े जायंट क्रिएचर को समन नहीं कर सकता। क्योंकि आप काकाशी का एग्जांपल ले लो, काकाशी टाइनी ग्रुप ऑफ डॉग्स को समन करने में ही खुश है, तो इससे ये चीज क्लियर होती है हर कोई इतने बड़े क्रिएचर को समन नहीं कर सकता। और हमने देखा है मोस्ट ऑफ द समनर्स एक ही टाइप के एनिमल को समन करते हैं, मगर हमने पेन को बहुत सारे अलग अलग एनिमल को समन करते देखा है, यहाँ तक कि वो लोगों को भी समन कर सकता है। और पेन जब समनिंग जुत्सु को यूज करता है वो ब्लड ऑफर भी नहीं करता है, और सास्के भी समन कर सकता है दो अलग अलग टाइप के एनिमल्स को, मगर सास्के एक टाइम पे एक ही एनिमल को समन कर सकता है। वो पेन की तरह अलग अलग एनिमल को एक साथ समन नहीं कर सकता, और समन्स भी समन कर सकते हैं अपने समनर्स को, जो कि आपने पेन आर्क में देख लिया होगा। और समन एनिमल्स ये भी चूज कर सकते हैं कि वो कब समन होना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी बिजी हो तो। हाँ, मगर उनका सब्स्टिट्यूट होता है, अगर वो बिजी हो तो उनकी जगह वो चले जाता है। और ये जुत्सु की एक वीकनेस है कि समन क्रिएचर को समनर की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं। गेम बुंटा ने नारुतो को बोला था कि उसको कोई इसका पार्ट नहीं बनाया कि कोई छोटा बच्चा गेनिन उसको ऑर्डर दे के क्या करना है। तो अगर यूजर इनक्रेडिबल पावरफुल क्रिएचर को समन कर रहा है तो उसको उस क्रिएचर की रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ेगा, मगर ये वीकनेस ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होती है। यूजर क्लियरली कैपेबल है समन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये समन कर सकते हैं शुरिकेन, जाइगेंटिक रशिमन वॉल्स, पपेट्स, और यहाँ तक कि टॉर्चर चैम्बर भी। और इस जुत्सु का बेस्ट एग्जांपल और पोटेंशियल एम्पायर वर्ल्ड रिकार्नेशन टेक्निक, और इस टेक्निक के बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।